क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास, x प्लस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1। अब हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो इधर, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इधर, जैसे मान लो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है ना, मैं क्या कर लेता हूँ इसका कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा का साइन चेंज करना। बोलो बोलो क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, आयोटा का साइन चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस आयोटा बी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। देखो जैसे क्या करूंगा मैं, जब किसी नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है। तो आयोटा इसका लिखेंगे माइनस लिख सकते हैं, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और ये बी स्क्वायर, तो कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। बात क्लियर हुई, तो देखो ऐसे मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालना चाहिए और उसको उसी से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ठीक है। देखो इधर क्या रखा है के पास, ए प्लस आयोटा बी ये किसके इक्वल रखा है के पास, एक्स प्लस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, ठीक है। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैं क्या निकाल रहा हूँ इसका कॉन्जुगेट निकालो, देखो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या था, आयोटा का साइन चेंज करना। बोलो क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, क्योंकि देखो इसमें कहीं आयोटा है ही नहीं, ये नंबर तो एज इट इज आएगा। दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो क्या हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1 इंटू एक्स माइनस आयोटा इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2x² + 1, ठीक है। बात क्लियर हो गई, अब देखो करो ये कौन सा फटना हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, आयोटा बी इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर, तो जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि तो सेम है, जैसे ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलोगे, ए स्क्वायर, तो यहाँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x² + 1 इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो ऊपर ऊपर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि अगर ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, है ना, कि दोनों के जो पावर है वो सेम है, क्या है, दोनों की पावर सेम है और बेस क्या है आपका अलग अलग है। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो ये बेस जो है ना वो आपस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, और पावर एज इट इज रहती है, पढ़ा था ऐसा कुछ रूल आपने, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ए इंटू बी की पावर एम, तो देखो ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें दोनों का पावर क्या है, सेम है और बेस अलग अलग है, तो बेस क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बोलो, एक्स प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा, है ना, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर कितना हो गया, देखो ए स्क्वायर आपका इज दिस माइनस का साइन इज दिस, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा आयोटा का स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे देखो ये भी क्या हो गया, फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी कितना होता है ए का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर के लिए कितनी दिए माइनस वन, ठीक है, और इस पूरे का होल स्क्वायर एज इट इज अपॉन 2x² + 1, ठीक है। तो देखो आपको ये प्रूफ करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x² + 1, है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। बात क्लियर है, हो गया आपका प्रूफ। अब इसी का एग्जाम्पल नंबर 12 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 आपसे, कि आपको जेड वन दे रखा है कितना है 2 - iota और जेड टू दे रखा है माइनस का 2 + iota, ठीक है ना। अब मुझे क्या निकालना है, रियल पार्ट चाहिए किसका, जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन का ये क्या है बोलो, कॉन्जुगेट, है ना, बताया ना मैंने, बताया था अभी जेड बार का मतलब क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट,
तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जेड वन इंटू जेड टू निकाल लेता हूँ और उसके कॉन्जुगेट का इसमें डिवाइड लगा लेता हूँ, है ना। पहले इस नंबर को पूरे को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसी को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं, जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन का कॉन्जुगेट करो। देखो क्या करना है आपको, टू माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस का टू प्लस आयोटा से, ठीक है ना, अपॉन जेड वन का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा बोलो, टू प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना। देखो इधर करो मल्टीप्लाई, ठीक है ना। पहले टू को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस के आयोटा को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले टू को करो, कितना हो जाएगा, माइनस का फोर, है ना, प्लस का टू आयोटा। ऐसे माइनस का आयोटा को करो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस टू आयोटा, है ना, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू प्लस आयोटा एज इट इज। बोलो देखो कितना हो गया, ठीक है। इस माइनस का फोर एज इट इज, टू और टू कितना हो गया, फोर आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की कितनी थी, माइनस वन अपॉन टू प्लस आयोटा, ठीक है। माइनस का फोर और प्लस का वन कितना हो गया आपके लिए बोलो, माइनस का थ्री प्लस फोर आयोटा अपॉन टू प्लस आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या देखा यहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको कि नीचे आयोटा का साइन आ रहा है। जब भी नीचे आयोटा का साइन आता है तो हम उसे क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, टू माइनस आयोटा से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू माइनस आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करो देखो मल्टीप्लाई, ये माइनस का है आपके लिए ना। पहले माइनस के थ्री को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, फिर फोर आयोटा को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। पहले माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करो, माइनस का सिक्स, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा प्लस थ्री आयोटा, ऐसे कितना हो जाएगा, फोर टू सा एट आयोटा माइनस फोर आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर कितना हो गया आपके लिए, माइनस का सिक्स आपका एज इट इज, एट और थ्री कितना हो गया, इलेवन आयोटा माइनस एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की कितनी थी, माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन टू का स्क्वायर फोर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन। देखो कितना हो गया आपके लिए, माइनस का सिक्स प्लस का फोर, है ना, कितना बच गया, माइनस का टू प्लस इलेवन आयोटा अपॉन फाइव, ठीक है, बात क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसका रियल पार्ट अलग कर देता हूँ, इसको ऐसे लिख लेता हूँ, चलो इधर लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्या आ जाएगा पास बोलो, माइनस का टू अपॉन फाइव प्लस इलेवन अपॉन फाइव आयोटा, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपके पास, ये जो पूरा नंबर आया है ये क्या है आपके पास, जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन का मॉडुलस क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट आ चुका है, ठीक है ना। अब इसका मुझे क्या चाहिए, रियल पार्ट। तो देखो इसका रियल पार्ट कितना है, माइनस का टू अपॉन फाइव, कितना है इसका रियल पार्ट, माइनस का टू अपॉन फाइव, ठीक है। तो क्या बोलूंगा मैं कि मुझे रियल पार्ट चाहिए किसका, जेड वन इंटू जेड टू अपॉन जेड वन का कॉन्जुगेट। तो इसका रियल पार्ट कितना आ गया, माइनस का टू अपॉन फाइव आ चुका है, ठीक है। अब देखो इसी का सेकेंड पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है ये कि मुझे क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए किसका, जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट। जेड वन इंटू जेड टू का जब हम कॉन्जुगेट करेंगे, है ना, उसका रेसिप्रोकल कर, है ना, तो उसका मुझे क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो देखो सबसे पहले मैं इस क्वांटिटी को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्या सॉल्व कर रहा हूं, वन अपॉन जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट, वन आपका एज इट इज, जेड वन, जेड वन कितना है आपके पास, टू माइनस आयोटा, और जेड वन का कॉन्जुगेट, इसी का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा बोलो, टू प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना, ठीक है। वन आपका एज इट इज, अगर हम देखें तो एक फॉर्मूला दिख रहा है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बोलो कितना हो जाएगा, है ना, कितना होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, बोलो कितना आ गया, वन अपॉन टू का स्क्वायर हो गया फोर माइनस आयोटा स्क्वायर के लिए कितनी थी, माइनस वन, तो माइनस और माइनस प्लस वन, कितना आ गया पास, वन अपॉन फाइव, कितना आ गया, वन अपॉन फाइव, क्या आ गया ये, वन अपॉन जेड वन इंटू जेड वन का कॉन्जुगेट, कितना आ गया पास, वन अपॉन फाइव, ठीक है, बात क्लियर है। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो आयोटा, ठीक है, समझ गए। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख रहे हो तो आप वही ए प्लस आयोटा बी इस तरह से लिखोगे। अब मुझे क्या चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, कौन सा पार्ट चाहिए, इमेजिनरी,
किसका इमेजिनरी पार्ट चाहिए, जेड वन इंटू जेड वन के कॉन्जुगेट का, तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, जीरो। कितना हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट, जीरो हो गया। ठीक है, बात क्लियर है। अब इसी का एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तो मॉडुलस, मॉडुलस मतलब आर है ना, और क्या निकालना है इसका, आर्ग्यूमेंट चाहिए। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को है ना ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में चेंज करना होगा। देखो यार क्या बोला आपने, जेड इज इक्वल टू कितना है, 1+2 आयोटा अपॉन 1-3 आयोटा। हमने क्या देखा, नीचे क्या आ रहा है, के पास आयोटा का साइन आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे से आयोटा का साइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1+3 आयोटा से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और 1+3 आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। करो देखो, पहले 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1+3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 2 6 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी। कितना होता है, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, 1+3 और 2 कितना हो गया, प्लस का 5 आयोटा प्लस आपका एजरियस है ना, और 6 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के लिए कितनी थी, माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो गया, प्लस 1। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब देखो माइनस का 6 और प्लस का 1 कितना हो गया पास, माइनस का 5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 10। ठीक है, देखो मैं ऊपर से क्या कर सकता हूँ, 5 कॉमन निकाल सकता हूँ, ऊपर के ऊपर क्या कर लिया मैंने, 5 कॉमन निकाल लिया, तो कितना हो गया, माइनस का 1 प्लस आयोटा अपॉन 10, 5 से कट गया, कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 आयोटा है ना, ये किस फॉर्म में लिख दिया आपने, इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया, किस फॉर्म में लिख दिया आपने इसको, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख दिया, लिख दिया। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ए हो चुका है ना, और ये क्या हो चुका है आपका, बी हो चुका है। ठीक है, बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है इसका, क्या निकालना है, एक तो मॉडुलस निकालना है और एक आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले हमें आर निकालने का, किसकी बात करें हम लोग, आर। तो अगर हम पहले बोले ए, ए की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2, और बी की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो देखो आर निकालने का क्या फॉर्मूला था, के पास रूट के अंदर ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट आपका इज इट ए, ए कितना है के पास, माइनस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, रूट आपका इज इट इज, इसका स्क्वायर करूंगा 1/4 प्लस 1/4, कितना आ गया बोलो, एलसीएम लोगे 4 है ना, 1/1 कितना आ जाएगा, 2, 2 से कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और इसका कितना आ जाएगा, रूट 2। ठीक है, तो जो इसका मॉडुलस है ना, वो कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट के लिए हमारे पास था टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ठीक है, सॉरी आर्ग्यूमेंट के लिए बी कितना है इसका, 1/2, और ए भी कितना है, माइनस का 1/2। ठीक है ना, ये नंबर में नंबर का डिवाइड लगाएंगे वही 1 आ जाएगा, और इसका मॉडुलस लेंगे है ना, ये आपका मॉडुलस है ना, मतलब मोड है आपका, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, और 10 के अंदर किसकी वैल्यू है ये बोलो, 10 के अंदर 1 किसकी वैल्यू है, 10 45, किसकी है, 10 45 45 का मतलब क्या, π/4। ठीक है, अब ये जो थीटा है π/4, ये आपका आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पहले इसको पहचानो है ना, ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस और प्लस हमारे लिए किस क्वाड्रेंट में आते थे, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या होता था आपका, π-θ। तो देखो जो आपका आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या लिखोगे आप, π-θ, तो पाई एज इट इज, और थीटा की वैल्यू कितनी है के पास, π/4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4π-π कितना आ जाएगा, 3π/4, कितना आ जाएगा पास, 3π/4।